क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हैं? मैं मनोज कुमार, उत्तम नगर से। जी, तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम शुरू हुई? स्किन जो ये स्किन हार्ड हो गई। ओके। पर्टिकुलर स्पेस पे मैंने उसको कई जगह दिखाया, लोकल दिखाया, उसके बाद में मैंने मोतीनगर के डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने जो वहाँ से पंक्चर हो गए, पहले पंक्चर नहीं हो रहा था, पंक्चर होने में से मतलब एक महीने बाद पंक्चर हुआ, फिर वो पंचर तो हुआ लेकिन उसका जो घाव हुआ वो हील नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने होम्योपैथिक को दिखाया, उन्होंने काम ठीक कर देंगे, 3 महीने इलाज कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर सिंह है 1 करोड़बाग में, उनको दिखाया, 4 महीने उन्होंने भी इलाज किया। तो क्या इलाज किया वहाँ पे उन्होंने? इलाज वो भी बाहर से दवाई लगाते थे। ओके। और कुछ टाँके वगैरह भी लगाते थे? कुछ टाँके नहीं लगाए थे, साठ सूत्र था उनका, धागा उन्होंने डाला था। अच्छा। लेकिन 4 महीने बाद में, 4 महीने तक आपने शार सूत्र कराया, कितने ऑपरेशन हुए शार सूत्र से? एक बार इन्होंने शार सूत्र किया, एक बार शार सूत्र किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे अकेले में ले जाके मना कर दिया, कह रहा आप कहीं और इलाज करा रहे। अच्छा। मैं डॉक्टर साहब की मैंने बहुत सारी पहले वीडियो देख चुका था, तो फिर लास्ट में मैंने सर के से कॉन्टेक्ट किया, मैंने फर्स्ट टाइम द्वारका में दिखाया सर को। उसके बाद यहाँ पे मेरी चार चल रही हुई, चार सेटिंग हुई, एक सर्जरी चार सेटिंग हुई, और मैं ठीक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब जो भी है मुझे बहुत मतलब कंफर्ट है यहाँ के। जैसा सर ने द्वारका में कहा था बिल्कुल वही चीज़ यहाँ। तो जब आपको वहाँ से मना किया गया था कि भाई अब मैं चार सूत्र से भी नहीं कर पाऊँगा, कोई और टेक्निक से भी नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने क्या बोला था फिर आपको? उन्होंने कहा सर्जरी करा रही है। ओके। मैं रेलवे में हूँ, मैं डॉक्टर हमारे डॉक्टर के पास गया था रेलवे अस्पताल में। जी। उन्होंने कहा सर्जरी होगी, लेकिन मैंने सर्जरी के बारे में पढ़ रखा था कि सर्जरी कामयाब नहीं होती। ओके। और सर्जरी में खैर दिक्कतें भी हैं, सर्जरी बड़ी होनी थी क्योंकि गहराई ज़्यादा थी, लगभग 7 सेंटीमीटर के आसपास। पूरे ट्रीटमेंट के दरमियान में कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ओके। अगर किसी को आपसे बात करनी हो, किसी को ऑपरेशन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में समझना हो, तो क्या आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, किसी को भी मुझसे बात करनी हो, जानकारी चाहिए, मैं दूंगा। मेरा नंबर है 9990680951, और मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रहता हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। SSC हूँ, कभी भी मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे, रास्ता एक बल्कि यहाँ तक पहुँचाने की भी करूँगा कि किसी को दिक्कत ना।